A very good morning to all. This is Rinki, your biology mentor. Again brought a new video of class 11. Okay, as we know that guys, we are dealing a chapter animal kingdom. Or now we have another phylum which is known as Echinodermata. In our previous video, we have learned about the Porifera, Coelenterata, Ctenophora, or even a higher organism like Arthropods and Mollusca. So today's discussing topic is Echinodermata. Okay, so let's begin our topic. As we know that guys, the word echinoderms, okay, these words actually indicate their meaning. Okay, the word echines and dermats, okay, ये जो word है इन दोनों words से मिलकर बना है echino, echines and dermat, in which these echines indicate the spines. ओके, स्पाइंस मीनिंग क्या होता है बेटा? कांटे. ओके, और ये जो डर्मेट्स है हम लोग जानते हैं डर्मेटा मीनिंग क्या होता है? स्किन. ओके, तो वी कैन से दैट इकाइनोडर्मेटा इज आर द एनिमल्स या आर एन एनिमल्स विच हैज अ स्पाइनी स्किन. ओके, ये कैसे एनिमल है? स्पाइनी स्किन एनिमल्स दे आर. ओके, वाई? बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड विद अ मेनी स्पाइंस. अगर मैं इनके एक एनिमल्स की बात करूं, इनके एक एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो ये एक स्टारफिश का डायग्राम है बेटा. ओके, जो कुछ इस तरीके से रहता है. ठीक है. ओके, और इसकी जो एंडोस्केलेटन होता है, दे हैव अ मेनी स्पाइंस. That is why these are known as the echinodermats, because their body is covered with the many spines, numerous spines are there, and these spines, yeah, these spiny skin has an endoskeleton. आप कह सकते हो ये जो spiny skin है, those have a endoskeleton. Okay, endoskeleton. ठीक है, and these endoskeleton बेटा is made up by the calcium. So we can say that they have a calcareous ossicles. ये जो spines है, okay, का काम इनको protection का देने का भी है बेटा, और उन इनके body temperature को maintain करके रखने का भी है. ठीक है, clear हो रहा है यहाँ पे सब कुछ? Next, their general features. If we talk about the जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा, तो यस गाइज, यू कैन से दैट टाइप ऑफ हैबिटेट. ओके, अ टाइप ऑफ हैबिटेट दे प्रिफर. आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑल द इकाइनोडर्मेट्स, ऑल द मेंबर ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स आर मराइन. कैसे होते हैं बेटा? मराइन होते हैं. आप कह सकते हो दे ऑल आर प्रिफर द ओनली एक्वाटिक habitats. Okay, if we talk about the body organization, okay, so yes, they show the organ system level of organization. Why? Because all the members of echinoderms are comes under the category of higher organism. Okay, now they have a systemized body, now they have a system, now they have a boundaries. Within these boundaries, they are all organs. They are, each and every organ do their specific function. That is why they are comes under the category of organ system level of organization. Okay, clear? If we talk about the type of symmetry they show, okay, तो यस, यहाँ पे एक यूनिक फीचर्स है बेटा. क्या? कि यहाँ पे दोनों स्टेज ऑफ लाइफ में, बोथ स्टेज ऑफ लाइफ, दे हैव अ टू स्टेज ऑफ लाइफ. फर्स्ट वन इज द लार्वल स्टेज, ओके, एंड सेकेंड वन इज द एडल्ट स्टेज. ओके, तो द इकाइनोडर्मेट्स इज एन ऑर्गेनिज्म विच हैव अ टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री. ओके, द एडल्ट वन शो द रेडियल सिमेट्री. ओके, एंड द लार्वल स्टेज शो द बाइलेटरल सिमेट्री. ओके, ये एक यूनिक फीचर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर एग्जाम में आ जाता है विच एनिमल फाइलम शो द टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री,
तो यस इकाइनोडर्मेट शो द टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन अ लार्वा स्टेज दे शो द बायलेटरल सिमेट्री एंड इन अ एडल्ट स्टेज दे शो द रेडियल सिमेट्री। ओके अब हम इन दोनों ही सिमेट्री के बारे में अच्छे से जानते हैं बेटा क्या होता है सिमेट्री का मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है इफ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ कैविटी दे हैव तो यस वी नो दैट दीज आर द हायर ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म है बेटा ये हायर ऑर्गेनिज्म दे आर सो एंड दे शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो दे हैव अ सीलोमेट्स दे हैव अ ट्रू कैविटी एंड वी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड वी यूज व्हेन ऑर्गेनिज्म हैव अ ट्रू कैविटी दे आर द सीलोमेट एनिमल्स कैसे एनिमल्स है बेटा ये सीलोमेट्स एनिमल व्हाई बिकॉज दे हैव अ ट्रू कैविटी क्लियर सॉरी इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर दे हैव तो यस दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कैसे एनिमल्स है बेटा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर दोज व्हिच हैव अ थ्री टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर्स दैट मीन दे हैव अ एक्टोडर्म्स मीजोडर्म्स एंड दी एंडोडर्मल जर्मिनल लेयर। ओके तो दीज आर द सम कॉमन फीचर्स विच इज सीन इन द इकाइनोडर्मेट। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इकाइनोडर्मेट। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इकाइनोडर्मेट तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यस दे शो द कंप्लीट डाइजेशन। ओके दे शो द कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेशन और वी नो दैट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैव अ कंप्लीट डाइजेशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म शो द कंप्लीट डाइजेशन तो दे हैव अ डेवलप्ड माउथ एंड एनस। ओके बाय विच माउथ डू द इंजेक्शन एंड एनस डू द इजेक्शन। बट यहाँ पे एक सिंपल थिंग ये भी है कि गाइज दीज ऑर्गेनिज ओके दीज ऑर्गेनिज हैव अ डिफरेंट लोकेशन ऑफ दीज टू ऑर्गन्स। ओके ये जो माउथ एंड एनस का लोकेशन है वो डिफरेंट है। माउथ जनरली प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द बॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी के लोअर साइड में एंड देयर एनस इज ऑन द अपर साइड ऑफ द बॉडी अपर सॉरी साइड ऑफ द बॉडी। ओके तो वी कैन से दैट माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस इज ऑन द डॉर्सल साइड। तो रेस्पिरेशन दे हैव अ वॉटर वस्कुलर सिस्टम। ओके दे हैव अ वॉटर वस्कुलर सिस्टम बेटा यहाँ पे क्या होता है इसके पास एक वॉटर वस्कुलर सिस्टम दे हैव और दीज वॉटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प आप कह सकते हो दे हेल्प इन द लोकोमोशन इसकी मूवेबिलिटी में हेल्प करता है दे हेल्प इन टू कैप्चर दे आर फूड और दे आर प्रे। ओके दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट सो इवन दे हैव टू डू द रेस्पिरेशन एंड विद दी हेल्प रेस्पिरेशन विद दी हेल्प ऑफ डर्मल ब्रॉन्चल जिसको आप बोल सकते हो दे हैव अ गिल्स। ओके ओके तो ये वॉटर वस्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इकाइनोडर्मेट्स बिकॉज दे डू द लोकोमोशन दे डू द कैप्चरिंग ऑफ द फूड एंड प्रे एंड इवन दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द फूड पार्टिकल्स। ओके और यहीं पर जो डर्मल ब्रॉन्चाइज होते हैं दे डू द रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल्स। क्लियर हो रहा है यहां तक। ओके नेक्स्ट दे सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके तो वी टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम तो यस गाइज मैंने यहां बताया ना कि वॉटर वस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है तो आप कह सकते हो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो रिड्यूस टाइप का होता है रिड्यूस एंड ओपन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मीन नाउ दीज एनिमल डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स। ओके क्लियर हो रहा है कैसा है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस एंड ओपन टाइप्स इसको क्या कहा जाता है
When an organism has a reduced and open type of circulatory system, तो उसको हीमल सिस्टम कहा जाता है. क्या कहा जाता है? हीमल सिस्टम. When they have a open type of reduced circulatory system. क्लियर हो रहा है यहां तक? ओके, वी टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो यस, यू कैन से दैट दे डू नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड या एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ओके, इनके पास किसी भी टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होता है. दे डू द डिफ्यूजन. ओके, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन दे रिलीज द अमोनिया. क्या होगा बेटा इनका? एक्सक्रीटी मैटर अमोनिया होगा. ओके, एंड दीज अमोनिया इज रिलीज विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट देयर नर्वस सिस्टम, तो दे हैव नो ब्रेन. दे हैव नो ब्रेन, ओनली हैव सिंपल सेंस ऑर्गन्स. ओके, ब्रेन की बात करें तो यस, इनके पास ऐसे कोई गैंग्लिया या पल्प टाइप के ऑर्गन्स नहीं होते जो अभी तक हम मोलास्क में पढ़े थे. जबकि ये मोलास्क से हायर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन इनके पास किसी भी टाइप का नर्वस सिस्टम, स्पेशलाइज नर्वस सिस्टम नहीं होता है. इफ वी टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, ओके, तो वी नो दैट ना दीज आर द हायर ऑर्गेनिज्म. ओके, हायर ऑर्गेनिज्म के शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सेम एज ऑर्थोपोड्स एंड मोलास, दे आर द डायोसियस. कैसे एनिमल्स है बेटा ये? डायोसियस. वी नो दैट वट इज द मीनिंग ऑफ डायोसियस. वेन सेक्स आर सेपरेटेड, जब सेक्स सेपरेटेड होते तो उसको क्या कहा जाता है? डायोसियस एनिमल्स कहा जाता है. ओके, और ये जो सेक्स सेपरेशन है, इनमें जो ये फर्टिलाइजेशन शो करते हैं. ओके, तो दे डू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. वाई गाइस? अभी हमने पढ़ा था ना, इनकी लार्वल स्टेज होती है और एडल्ट स्टेज. जो लार्वल स्टेज होती है जहां पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है, वो वाटर मीडियम में होता है. ठीक है, तो ये अपने गैमेट्स को वाटर में ही रिलीज करते हैं. वहीं पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में आके फ्यूज होते हैं. और उस जब फ्यूजन एक्स बॉडी के आउटसाइड इन्वायरमेंट में हो रहा होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हो. इसलिए इकाइनोडर्मेट शो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एंड इवन यू कैन से दैट देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. ओके, बिकॉज दे हैव अ फ्री स्विमिंग लार्वा. इनका जो डेवलपमेंट होता है बेटा, कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है. ओके, ठीक है. तो दीज आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स. लेट्स टॉक अबाउट द their members. So guys, these are the member of the echinodermates. Here you can see that the starfish, ये तो हम लोगों ने काफी common है हमारे लिए, which is known as the ascherias. Okay, next member is the echinus. ये भी आप लोगों ने देखा होगा अगर सी या बीचेस पे गए होंगे तो. कांटेदार एक एनिमल्स होता है, ठीक है, काफी shy nature का भी होता है ये. सी अर्चिन, which is also known as the sea urchin. Next is the antidern, is also known as the sea lily. मैंने भी नहीं देखा इसको तो. कुकुमेरिया, विच इज ऑल्सो नोन एज अ सी ककम्बर. एंड एफ्यूरा, विच इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रिटल स्टार्स. ओके, तो दीज आर द मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेट्स. सो दिस इज इनफ फॉर द फाइलम इकाइनोडर्मेट्स. होप ऑल दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन अलॉन्ग विद द नेक्स्ट फाइलम ऑफ द क्लास 11 और दिस चैप्टर एनिमल किंगडम. तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड इवन keep learning. okay, because your exam is are going on. So all the very best for your exams. God bless you all.